हरियाणा के कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा महिलाओं के अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा पैदल मार्च किया गया। महिला मोर्चा रानीताल से एकत्रित होकर बल्देबाग स्थित नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय का घेराव करने के लिए बड़ा ही था, लेकिन आगा चौक में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस से मोर्चा की महिलाओं की तीखी झड़प हुई। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा हुड्डा के इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस नेता के इस कृत्य के विरोध में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में महिला मोर्चा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय का घेराव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी तारतम्य में महिला मोर्चा जबलपुर महानगर के द्वारा रानीताल से पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यालय के लिए महिलाएं आगे बढ़ी और आगा चौक में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया गया। हमसे टकराएगा, झूठ झूठ हो जाएगा, कांग्रेस तेरी तानाशाही। हुड्डा जी हरियाणा में गलत तरीके से 8 मार्च को जब हमारा पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, तब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन में जिस तरह का उन्होंने ढोंग रचा है वो निंदा के काबिल है। वाकई में निंदनीय है कि उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं सारे विश्व की महिलाओं का अपमान किया है। स्वयं ट्रैक्टर पर बैठकर और हमारी MLA जो बहनें हैं उनको ट्रैक्टर की जो लकड़ी है उसको पकड़ाकर जैसे हम लोग गधे जोतते हैं या बैल जोतते हैं उस तरह से उनको सड़कों पर चलाया गया। वाकई में ये निंदनीय है, अपराध है, उन पर तो अपराध कायम होना चाहिए कि उन्होंने महिला को अंतर्राष्ट्रीय दिवस वाले दिन कैसे उन्होंने ट्रैक्टर के ट्रॉली में जोता उनको।